बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। चैप्टर नंबर 13 कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h after rebound twice from the ground, it reaches to a height h/2. It reaches to a height h/2. Find coefficient of recession. आपने क्या निकालना है? Coefficient of recession. A rubber ball is dropped from a height h after rebounding twice from the ground. It reaches to a height h/2. Find coefficient of recession. What would be the coefficient of recession had the ball reached at height h/2 after rebounding 3 times? और कहता है 3 times में अगर वो h/2 तक पहुँचते तो आपने coefficient of recession निकालना। भाई क्या निकालना है? Coefficient of recession. A rubber ball is dropped from a height h after rebounding twice from the ground. It reaches to a height h/2. Find coefficient of recession. आपने coefficient of recession निकालना। What would be the coefficient of recession had the ball reached at a height h/2 after rebounding 3 times? भाई 3 दफ़ा टकराने के बाद, भाई as height हमारे पास h है, उस वक्त velocity initial 0 है, v हमने find करनी है। Using v square minus u square is equal to 2gx and g is 32 ft/s². We have v square is equal to 2gh एंड v बराबर 2gh का जजर। भाई इस स्पीड के साथ वो ज़मीन के साथ टकराती है। लेट ई बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, वो क्या होगा? ई टाइम ऑफ दिस वेलोसिटी 2gh का जजर। व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड सेकेंड टाइम, इट्स वेलोसिटी सेकेंड टाइम देखो टकराने जिस स्पीड से ऊपर जाएगी उसी स्पीड से नीचे आएगी। एंड वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड रिबाउंड क्या होगा? ई स्क्वायर एंड 2gh का जजर। भाई याद रखें जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर फेंकते हैं उसी स्पीड से पार्टिकल नीचे आती है। भाई जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर फेंकते हैं उसी स्पीड से पार्टिकल नीचे आता है। अगर इस स्पीड के साथ ऊपर जाएगा तो भैया इसी के साथ नीचे आएगा, टकराने के बाद उसकी ई स्केयर हो जाएगी, क्योंकि ई ऑलरेडी ई से मल्टीप्लाई करोगे ई स्केयर अगर 2gh का जजर। अब हाइट क्या होगी? h/2 और वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी 0। यूजिंग फार्मूला वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल माइनस 2gx, भाई ऊपर जाते जी क्या होगा? नेगेटिव। भाई ऊपर जाकर जी क्या होगा? नेगेटिव। तो प्लीज़ आ देखें 0, इसका स्केयर करें जी, माइनस 2gh/2 जी, तो e4 2gh आगे gh, e4 बराबर होगा 1/2 के, e4 बराबर होगा 1/2 के, तो e बराबर होगा 1/2 की पावर 1/4। भाई इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन आफ्टर सेकेंड रिबाउंड। भाई आइए कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन आफ्टर सेकेंड रिबाउंड। अब उसकी नेक्स्ट डिमांड क्या है? वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रिबाउंड। भाई वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रिबाउंड ई से मल्टीप्लाई करना ई क्यूब आगे 2gh का जजर, उस वक्त हाइट क्या होगी? h/2 जी। फाइनल वेलोसिटी 0, तो यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल माइनस 2gx, प्लीज़ पुट दी वैल्यूज़ वी की यू की और भाई जन आप एक्स की। तो भाई e6 बराबर होगा 1/2, तो e बराबर होगा 1/2 की पावर 1/6। इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन। भैया ये हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन। भैया हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन। ई बराबर होगा 1/2 की पावर 1/6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन। ये भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन होगा, इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन जी। ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h, एक पार्टिकल फॉल्स करता है फ्रॉम ए हाइट h इन टाइम t अपॉन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। इट रिबाउंड, ये वापस आता है एंड रीचेस ए मैक्सिमम हाइट h और हाइट h तक जाता है इन टाइम t। शो दैट t- बराबर है e टाइम ऑफ t एंड e h- बराबर e स्क्वायर h जी। ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h इन टाइम t अपॉन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट रिबाउंड, ये वापस जाएगा एंड रीचेस ए मैक्सिमम हाइट h-, उस वक्त तो हाइट क्या होगी? h- होगी इन टाइम t-, उस वक्त टाइम हुआ t-। ए पार्ट है फर्स्ट
टी डैश आपने साबित करना ई टाइम टी, सेकेंड पार्ट है एच डैश बराबर ई स्क्रैच। इसके बाद दूसरा पार्ट है आल्सो प्रूव दैट द होल डिस्टेंस अप एंड डाउन डिस्क्राइब बाय पार्टिकल बिफोर इट हैज़ रीच्ड हैज़ फिनिश रिबॉन्डिंग इज वन प्लस ई स्केयर ओवर वन माइनस ई स्केयर इन टू एच टी। नंबर सी है द टाइम अलैप्स इज वन प्लस ई ओवर वन माइनस ई, आगे जजर के अंदर क्या टू एच ओवर जी, टू एच ओवर जी का जजर। टाइम अलैप्स इज वन प्लस ई ओवर वन माइनस ई, आगे जजर के अंदर का वन टू एच ओवर जी। भाई तीन फरमाइशें आपने प्रूफ करनी है। तो पहला आप साबित करेंगे टी डैश बराबर है ई टाइम टी जी एंड एच डैश बराबर है ई स्केयर एच जी। भाई फर्स्ट डिमांड हम ये पहले प्रूफ करते हैं फिर अगली बात करते हैं जी। लेट ए पार्टिकल अकर्स ए वेलोसिटी वी आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस एच, भाई थ्रू ए डिस्टेंस एच गिरने के बाद लेट ए पार्टिकल अकर्स ए वेलोसिटी वी, लेट ए पार्टिकल अकर्स ए वेलोसिटी वी आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस एच, जब ज़मीन के साथ टकराएगा तो उसको वेलोसिटी का वी और हाइट का एच डी। यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू जी एक्स, भाई वी स्केयर यू जीरो हो जाएगा और एक्स हमारे पास एच है तो वी बराबर होगा टू जी एच का जजर, वी बराबर होगा टू जी एच का जजर और यहाँ से हाइट क्या निकलेगी वी स्केयर ओवर टू जी, भाई हाइट क्या निकलेगी वी स्केयर ओवर टू जी। भाई कुछ चीज़ें हमने रेडीमेड तैयार करनी है थी। नो अगेन यूजिंग वी इज इक्वल टू यू जमा जी टी जी, तो भाई यू जीरो होगा जी तो टी का निकलेगा वी ओवर जी, भाई वी का निकलेगा टी निकलेगा वी ओवर जी, तो भाई वी की वैल्यू हमारे पास क्या टू जी एच का जजर ओवर जी, तो हल करेंगे टी बराबर होगा टू एच ओवर जी का जजर। ये कुछ चीज़ें हमने रेडीमेड तैयार करके रख लें। एक हरकत की मसावात यूज़ की वी स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल टू जी एक्स और एक वी इजिकल टू यू यू जमा जी टी जी। जब पार्टिकल ऊपर से आता है तो भैया इनिशियल जीरो की थी जब ड्रॉप करेंगे और जी का होगा पॉजिटिव जी। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द रिबाउंड सिंस द वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड टकराने के बाद वेलोसिटी टाइम ई टाइम हो जाएगी ई टाइम वी। नाउ इन टाइम टी डैश पार्टिकल अटेन्स भाई पार्टिकल अटेन इन टाइम टी डैश दी पार्टिकल अटेन हाइट एच डैश यूजिंग वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब भैया फाइनल जीरो होगी जी, वेलोसिटी क्या बन जाएगी ई टाइम वी जी। तो यहाँ से जो है ना वो आपको पता वी आपने ड्राइव किया टू जी एच का जजर जी, तो जी टी डैश बराबर होगा ई टाइम टू जी एच का जजर जी, तो टी डैश बराबर होगा ई आगे भजन टू एच ओवर जी का जजर जी और ये किसके बराबर टी के बराबर, तो भैया टी डैश बराबर होगा ई टाइम टी जी। भाई टी डैश आपने साबित कर दिया ई टाइम टी। नो अगेन यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल माइनस टू जी एक्स, भाई वी जीरो का जी तो भैया ई आगे टू जी एच का जजर माइनस टू जी एक्स एच डैश आएगा जी। नो भैया देखिएगा ई एच डैश होगा जी कैंसलेशन के बाद ई स्केयर एच टी, भाई एच डैश आपने साबित कर दिया ई स्केयर एच टी, भजन एच डैश आपने साबित कर दिया ई स्केयर एच टी जी। ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एच इन टाइम टी अपॉन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इट रिबाउंड एंड रीचेस ए मैक्सिमम हाइट एच डैश इन टाइम टी डैश, शो दैट आपने साबित करना टी डैश बराबर ई टाइम टी एंड एच डैश बराबर ई स्केयर एच। बुझदा देखें टकराने से पहले उसकी हाइट एच थी और टाइम टी देता था, टकराने के बाद हाइट एच डैश है टाइम है टी डैश, आपने साबित करना टी डैश बराबर ई टाइम टी एंड एच डैश बराबर ई स्केयर एच। नो प्लीज़ आप देखिएगा वी हैव दिस, जब पार्टिकल यहाँ से आते हैं हाइट एच है टाइम टी है जी तो अनिशियल क्या होगी जीरो जी, भजन अनिशियल क्या होगी जी जीरो जी, भाई अनिशियल क्या होगी जीरो और जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो जी, भाई फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो जी जब पार्टिकल ऊपर जाएगा। लेट ए पार्टिकल अकर्स ए वेलोसिटी वी आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस एच, जब एच हाइट से आएगा तो वो ज़मीन के साथ जकड़ा उसको वेलोसिटी वी है, तो यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू जी एक्स, भाई यू जीरो होगा टू जी एच है एक्स हमारे पास एच है जी तो वी हमारे पास निकला टू जी एच का जजर और यहाँ से आपने एच निकाला एट वी स्केयर ओवर टू जी। नो यूजिंग वी इज इक्वल टू यू जमा जी टी जी, तो भाई टी निकला वी ओवर
जी तो प्लीज़ यहाँ पे वी की वैल्यू उठ के 2GH का जजर ओवर जी, तो हल करने के बाद टी हमारे पास निकला 2H ओवर जी का जजर। सिंस द वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड क्या होगा, ई टाइम वी हो जाएगा भाई, ई टाइम वी हो जाएगा। नो इन टाइम टी डैश द पार्टिकल अटेन द हाइट एच डैश, भाई पार्टिकल कितनी हाइट अटेन करेगा एच डैश। नाउ यूजिंग वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, भैया वी का होगा आपका जीरो, फाइन वेलोसिटी जीरो, जी नेगेटिव, और टाइम का होगा टी डैश। आप जरा देखें कि यहाँ से जी टी डैश बराबर होगा ई टाइम वी, वी की जगह पे वी विल पुट 2GH का जैसा जी, तो भाई जनरल देखें टी बराबर होगा ई टाइम 2H ओवर जी का जैसा, और ये किसके बराबर, टी के बराबर, तो भैया ज़्यादा देखें ई टी डैश बराबर होगा ई टाइम टी के। अब अगेन यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल माइनस 2GX, भाई फाइनल जीरो, इनिशियल अब ये बन जाएगी माइनस आगे भैया ई 2GH का जजर एंड होल स्केयर माइनस 2GH डैश, तो भाई आप जरा देखें एच डैश बराबर होगा ई स्केयर एच टू, एच डैश बराबर होगा ई स्केयर एच टू। ऑल्सो प्रूव दैट होल डिस्टेंस अप एंड डाउन डिस्क्राइब बाय पार्टिकल बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड रिबॉन्डिंग इज, आपने साबित करना 1 प्लस ई स्केयर ओवर 1 माइनस ई स्केयर इंटू एच जी। होल डिस्टेंस अप एंड डाउन कवर्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड रिबॉन्डिंग इज 1 प्लस ई स्केयर ओवर 1 माइनस ई स्केयर इंटू एच जी। नंबर थर्ड टाइम अलैप्स टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई अगर 2H ओवर जी का जजर। पहले बी पार्ट प्रूफ करते हैं, prove that whole distance described by the particle before it has finished rebounding is 1 plus e square over 1 minus e square into h d. Right? We know height to which the particle rises after first rebound. Abhi aapne dekhen agar height h hai to first rebound ke baad uski height hogi e square h. Similarly, height after second, third and fourth rebound is e 4h, e 6h, e 8h and so on. भाई जो ओरिजिनल हाइट है उसको ई स्केयर से जरा देंगे तो उसकी न्यू हाइट निकल आएगी। भाई अगर पहले हिट करने से पहले हाइट एच सी, टकराने के बाद क्या होगी ई स्केयर एच, ये फर्स्ट रिबाउंड के बाद, सेकंड रिबाउंड के बाद का ई स्केयर से मजीद अगर बदलोगे तो ई 4H हो जाएगा, और थर्ड रिबाउंड में भाई क्या होगा ई 6H एंड फोर्थ रिबाउंड में क्या होगा जी ई 8H एंड सो ऑन जी। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड रिबाउंड, भाई फर्स्ट और सेकेंड ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए तो क्या बनेगा ई स्क्रैच प्लस ई स्क्रैच वो होगा 2E². डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रिबाउंड ई 4H प्लस ई 4H 2E4H एंड सो ऑन। टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा इस, वो पहला H है, दूसरा जाते हुए और नीचे आते हुए 2E², अप एंड डाउन के लिए 2E², उसके बाद अगले रिबाउंड में 2E² 2E4H, उससे अगले रिबाउंड में 2E6H अप टू सो ऑन। यहाँ से 2E² बाहर निकाल लिया, अंदर 1 प्लस ई स्केयर प्लस ई 4 अप टू सोच। भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होगा ए ओवर 1 माइनस आर, भाई सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होगा ज्योमेट्रिक सीरीज में ए ओवर 1 माइनस आर, तो ए यहाँ पे 1 है, रेशो हमारे पास ई स्केयर, तो वी हैव एच प्लस 2E² कॉमन, ए की जगह पे 1 माइनस ई स्केयर, प्लीज़ एच कॉमन टेक एलसीएम, तो वी गेट 1 प्लस ई स्केयर ओवर 1 माइनस ई स्केयर एच, तो इस दैट टोटल डिस्टेंस हमारा निकल आएगा जी। ये भैया हमारा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा जी। बस सिर्फ ये याद रखिएगा अगर हाइट एच से आता है, अगर पार्टिकल हाइट एच से आता है तो भैया टकराने के बाद उसकी हाइट होती है ई स्केयर एच, भाई टकराने के बाद उसकी हाइट कहते ई स्केयर एच, भाई जिस तरह यू के साथ आता था तो टकराने के बाद लास्ट होती ई टाइम यू, इस तरह अगर हाइट एच से आ रहा तो उसकी हाइट क्या होगी ई स्केयर एच। नो वी हैव थर्ड पार्ट टाइम सी पार्ट टाइम अलैप्स या टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई अगर 2H ओवर जी का रिजल्ट, भाई टाइम आपने ये साबित करना है, भाई नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट अप एंड डाउन, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अप एंड डाउन, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा फॉर अप एंड डाउन, तो भैया क्या होगा जी ई टाइम टी प्लस ई टाइम टी टू ई टाइम टी हो जाएगा, भाई अगर टाइम टी रहता था तो टकराने के बाद टाइम क्या होगा ई टाइम टी हो जाएगा, तो अप एंड डाउन के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए 2 ई टाइम टी हो जाएगा। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेकेंड एंड थर्ड इम्पैक्ट आर 2E² t 2E³ t एंड सो ऑन।
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी फर्स्ट टाइम और दूसरे रिबाउंड के बाद अप एंड डाउन टाइम टू ई टाइम टी, नेक्स्ट रिबाउंड में टू ई स्क्वायर टी, नेक्स्ट रिबाउंड में टू ई क्यूब टी अप टू सोंच, यहाँ से टू ई टी कॉमन निकाला तो अंदर बचा वन प्लस ई प्लस ई स्क्वायर अप टू सोंच। भाई यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज है, सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला ए ओवर वन माइनस आर, ए यहाँ पे वन है, रेशो हमारे पास ई होगी तो वन माइनस ई, नो प्लीज़ टेक एलसीएम, वी गेट वन प्लस ई ओवर वन माइनस ई इंटू टी, नो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ टी, वो है टू एच ओवर जी का जजर, वो है टू एच ओवर जी का जजर। भाई टू एच ओवर जी का जजर आपका निकल आया जी टाइम अलैप्स या टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, तो टी बराबर होगा वन प्लस सी ओवर वन माइनस सी इंटू टू एच ओवर जी का जजर। भाई इलास्टिक बॉल ऑफ मैस एम, इलास्टिक बॉल है जिसका मैस एम है, इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपर ऊपर फेंका गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इलास्टिक यू के साथ। भाई इलास्टिक बॉल है, लश्कदार बॉल है ऑफ मैस एम, इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपर ऊपर फेंका गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी u, इफ e बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन। भाई e क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन, फाइंड द टोटल स्पेस डिस्क्राइब बाई इट, कितना फासला तय करेगा टोटल स्पेस डिस्क्राइब बाई इट, एंड द टाइम टेकन दैट एलैप्स अप टू द इंस्टेंट ऑफ nth rebound, और भाई टोटल टाइम चाहिए। वट इज़ द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर nth rebound, और आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर nth rebound। भाई तीन फॉर्मेशन की हैं, पहला है फाइंड द टोटल स्पेस डिस्क्राइब बाय इट, भाई पहले इतनी को डिस्कस करते हैं, फाइंड द टोटल स्पेस डिस्क्राइब बाय इट। भाई जरा देखिएगा, ए पार्टिकल ऑफ मैस एम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी u, इफ ई बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिशन फाइंड द टोटल स्पेस डिस्क्राइब बाय इट एंड टाइम दैट एलैप्स अप टू द इंस्टेंट ऑफ nth rebound। अब भाई nth ठपे हैं, nth दफ़ा वो ज़मीन को टकराएगा, भाई nth टाइम वो ज़मीन को, वट इज़ द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर nth rebound, और nth rebound के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए जी। लेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास गिवन है यू, फाइनल वेलोसिटी का जीरो, तो यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल माइनस टू जी एक्स, ऊपर जाते हुए जी नेगेटिव और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू जी एक्स, तो एक्स बराबर होगा यू स्केयर ओवर टू जी, भाई एक्स बराबर होगा यू स्केयर ओवर टू जी। अब देखें कि भाई आपने क्या निकाला, एक्स बराबर यू स्केयर ओवर टू जी, भाई ये इतना फासला आपने निकाल लिया, इतना फासला वो पार्टिकल तय करेगा जी। डिस्टेंस कवर्ड अप टू द इंस्टेंट ऑफ, बट डिस्टेंस कवर्ड अप टू द इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, भाई फर्स्ट रिबाउंड तक ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, तो भैया यू स्केयर ओवर टू जी प्लस यू स्केयर ओवर टू जी, हल करोगे तो भैया यू स्केयर ओवर जी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। भाई डिस्टेंस कवर्ड अप टू द इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, यू स्केयर ओवर टू जी प्लस यू स्केयर ओवर टू जी, भैया हल करोगे यू स्केयर ओवर जी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, भैया फर्स्ट रिबाउंड के बाद वेलोसिटी होगी ई टाइम यू जी, भाई वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड का होगा ई टाइम यू जी। भैया देखिएगा, हमने एक्स निकाला यू स्केयर ओवर टू जी, ये इतना इतना फासला तय करेगा जी। डिस्टेंस कवर्ड अप टू द इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, वो क्या होगा यू स्केयर ओवर टू जी प्लस यू स्केयर ओवर टू जी, एलसीएम ले लें तो आएगा यू स्केयर ओवर जी, ये डिस्टेंस होगा फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जी, डिस्टेंस होगा फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जी। भाई वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड क्या होगा ई टाइम यू जी, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड क्या होगा ई, भाई अगर यू के साथ टकराता है क्योंकि जिस स्पीड के साथ ऊपर जाएगा उसी से नीचे आएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा ई टाइम यू जी। नाउ यूजिंग आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, वी यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू जी एक्स, भाई ऊपर जाएगा फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो भाई जब इसका करोगे तो भैया इनिशियल वेलोसिटी बनेगी ई यू का स्केयर और माइनस टू जी एक्स, हाइट हमारे पास एक्स है तो एक्स निकलेगा ई स्केयर यू स्केयर ओवर भैया टू जी, भाई ई स्केयर यू स्केयर ओवर टू जी। अब भैया डिस्टेंस, भैया ये आपका फास्टा निकल आया जी, ये आपका फास्टा निकल आया, सो डिस्टेंस आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, भैया डिस्टेंस निकला आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, भाई डिस्टेंस निकला आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, तो टोटल डिस्टेंस आफ्टर सेकेंड रिबाउंड का होगा यू ई स्केयर यू स्केयर ओवर टू जी,
ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ई स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर 2g हल करेंगे तो ई स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर जी अप एंड डाउनवर्ड। भाई टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा जी? भाई टोटल डिस्टेंस बनेगा यू स्क्वायर ओवर जी प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर जी प्लस ई फोर यू स्क्वायर जी अप टू सोन अप टू एंड टर्म्स। भाई कितना होगा एंड टर्म्स के लिए? भाई हमने जो डिस्टेंस निकालना है फॉर एंड टर्म के लिए, तो यू स्क्वायर ओवर जी कॉमन अंदर वन प्लस ई स्क्वायर प्लस ई फोर अप टू सोन एंड टर्म्स। भाई सम ऑफ एंड टर्म का फार्मूला है ए इंटू वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस। भाई सम ऑफ एंड टर्म का फार्मूला है ए इंटू वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। भाई जन ए हमारे पास के वन है, रेशो हमारे पास ई स्क्वायर, तो वन माइनस ई की पावर टू है। भाई वन माइनस ई की पावर टू है ओवर वन माइनस ई स्क्वायर जी, और यही आपने भाई जन निकालना था जी। भाई यही आपने निकालना था कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर द एंथ इन जो है ना वो स्ट्राइक्स के लिए। नो बी पार्ट, नाउ फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी यूज वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। जब ऊपर जाएगा तो भैया जी नेगेटिव होगा जी, और फाइनल वेलोसिटी का जीरो, तो भाई टी निकलेगा यू ओवर जी। भाई टी निकलेगा यू ओवर जी, ये टाइम निकला ठीक है जी, पार्टिकल जब ऊपर जाएगा इतना टाइम देगा जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अप एंड डाउन, भाई अप एंड डाउन के लिए क्या होगा, ये जाते हुए जाते हुए, तो भाई टू यू ओवर जी। इट इज़ द टाइम अप टू फर्स्ट रिबाउंड, या फर्स्ट रिबाउंड के लिए जी। अप टाइम अप टू द इंस्टेंट ऑफ सेकेंड रिबाउंड, वो क्या होगा, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दें जी। भाई ई से क्या करें जी, क्योंकि अगर वो टी टाइम रहता तो टकराने के बाद क्या होगा ई टाइम टी, तो ई से मल्टीप्लाई कर दें, टू ई यू ओवर जी हो जाएगा। टाइम अप टू द इंस्टेंट ऑफ थर्ड रिबाउंड, भैया फिर ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू ई स्क्वायर यू ओवर जी। सो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल अप टू द इंस्टेंट ऑफ एंथ रिबाउंड, तो क्या होगा, टू यू ओवर जी प्लस टू टाइम ई यू ओवर जी प्लस टू ई स्क्वायर यू ओवर जी अप टू सोन अप टू एंथ जो है ना वो टर्म्स है, अपने एंड टर्म्स के लिए निकालना है। क्या निकालना भाई, एंड टर्म्स के लिए। भाई जना हमने किसके लिए निकालना है, एंड टर्म्स के लिए जी। तो भाई जना देखें, टू यू ओवर जी कॉमन निकालिए अंदर वन प्लस ई प्लस ई स्क्वायर अप टू सोन एंड टर्म्स। तो भाई फार्मूला क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर जी, तो आर यहाँ पे ई का रोल प्ले कर रहे जी, तो ये टू यू ओवर जी इंटू वन माइनस ई की पावर एन ओवर वन माइनस, ये आपका टाइम निकला। अब भैया सी पार्ट करिए, वेलोसिटी अप टू द इंस्टेंट ऑफ एंथ रिबाउंड। भाई देखें, वेलोसिटी अप टू द इंस्टेंट ऑफ एंथ रिबाउंड क्या होगा, ई की ताकत एन माइनस वन इंटू यू। भाई देखें, हमने यू के साथ ऊपर फेंका था, तो जब ठप्पा वापस आएगा वो यू के साथ ही आएगा। भाई पहला ठप्पा लगेगा वेलोसिटी यू होगी, टकराने के बाद वेलोसिटी का ई टाइम यू। भाई दूसरे ठप्पे के जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो भैया ई टाइम यू के साथ जाएगा और उसी के साथ नीचे आकर दोबारा टकराएगा, यानी कि सेकेंड रिबाउंड में उसकी वेलोसिटी होगी ई टाइम यू। भाई सेकेंड रिबाउंड में उसकी वेलोसिटी होगी ई टाइम यू। अब इसी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा, फिर दोबारा जब सेकेंड जो है ना थर्ड में टकराएगा, तो उस वक्त वेलोसिटी होगी ई स्क्वायर इंटू यू। भाई देखें, जब ठप्पा होगा तीसरा तो होगा ई स्क्वायर यू। भाई जब ठप्पा होगा तीसरा तो ई स्क्वायर यू, और जब ठप्पा होगा एन, तो भैया वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी अप टू द इंस्टेंट ई की पावर एन माइनस, एक कम कर दोगे ना भाई, ई की पावर एन माइनस वन इंटू यू, एंड वेलोसिटी आफ्टर आफ्टर एन थ्री बाउंड। भाई मजीद ई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ई की पावर एन यू। अब हमें चाहिए क्या था, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन थ्री बाउंड, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन थ्री बाउंड, तो हाफ एम वेलोसिटी का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ एम ई की पावर टू एन इंटू यू स्केयर। भाई हाफ एम ई की पावर टू एन इंटू यू स्केयर, वजन क्या बनेगा, हाफ एम स्केयर एम इंटू ई की पावर टू एन इंटू यू स्केयर।